हरिद्वार में जापान से आए कुछ लोग श्री भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति को करीब से जाना। आपको बता दें कि जापान में भारतीय महिलाएं लगातार पिछले कई वर्षों से भारतीय संस्कृति के साथ योग को बढ़ावा दे रही हैं, जिसको लेकर जापानी दल के लोगों ने हरिद्वार में भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और योग की प्रक्रिया को जाना। इसी क्रम में जापान से आए लोगों ने कहा कि दोनों देशों में काफ़ी अंतर है, लेकिन जापान में लोग भारतीयों की सराहना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारतीयों को काफ़ी अच्छी नज़रों से देखा जाता है और इस तरह के आपसी तालमेल से दोनों देशों के आपसी संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। महाविद्यालय ने 2023 में बहुत प्रोग्रेस किया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे महाविद्यालय में सेमिनार्स नहीं होती थी, बट इस साल क्योंकि हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से भी संबद्ध हुए, हमें स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ संस्कृत के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स मिले हैं। हमें सेमिनार्स कराने के लिए काफ़ी ग्रांट मिली है, जिसमें हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सेमिनार कराई है, हमने टेंपल कल्चर इन इंडिया पर सेमिनार कराई है, हमारे यहाँ ऑल इंडिया लेवल्स पर संस्कृत सम्मेलन हुआ है हमारे यहाँ, और अभी जैसा कि सर ने बताया कि हमारे यहाँ रूपक महोत्सव हुआ है, युग महोत्सव हुआ है। तो ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा है हमारे विद्यालय महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। और पहले तो मुझे ये कहना है कि हमारा जो भारत देश में इस समय नव युवक सारे संस्कृत से धीरे धीरे भटकते जा रहे हैं, इनके उत्थान के लिए, इनके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत भाषा के दशा दिशा के लिए हमारे महाविद्यालय में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से 2023 में नाना प्रकार के कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया है, जिसमें भाषा उत्कर्ष का कार्यक्रम हुआ है, राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है, साथ में जो है अभी हमारे जो है एक कार्यक्रम जो है किया गया है जिसका जो है राज्य स्तरीय संस्कृत स्पर्धा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग 60 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। मैं रामदेव जी के लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आई नो कि इंटरनेशनल योगा डे हर साल सेलिब्रेट होता है, मैं उसकी कमेटी में हूँ और योगा कर रहे हैं लोग, लेकिन अलग अलग गुरुओं से भी कर रहे हैं, पर रामदेव जी को सब जानते हैं और रामदेव जी को फॉलो करने वाले ऑनलाइन भी बहुत लोग हैं जो उनसे लेते हैं लेसन। लेकिन अब धीरे कोई साउथ चला जाता है तो वहाँ से है, ज़्यादातर ऋषिकेश और हरिद्वार आने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं और वाराणसी में भी सीख रहे हैं। देखिए रामदेव जी ने इतना ऊपर किया, फिर हमारे PM ने उसको इंटरनेशनल डे बनाया और अब हम कितने हज़ारों को इंटरनेशनल डे में हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे हज़ारों लोग आते हैं, हमारे कौंसल जनरल हैं, उनके साथ मिलके होता है ये इवेंट, अब अकेले कोई नहीं करता, इट्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और हम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। तो हम 1,000 लोगों का योगा फ्री करते हैं, पहले सुबह 10:30 से 11:30, फिर क्लासेस रखते हैं स्पेशल। तो मैं ये देख रही हूँ कि योगा बेहद पॉपुलर हुआ है, अब बस एक चीज़ इच्छा होती है कि वो लोग थोड़ा थोड़ा टाइम सीख के आते हैं, थोड़ा और डीप स्टडी करें कि हमारे और क्या डीप चीज़ें हैं इसकी, सिर्फ शरीर को एक्सरसाइज की तरह नहीं ले और ये सोच के कि भाई मुझे पतले हो रहा है या ये हो रहा है, उसके लिए नहीं करें योगा, योगा एनर्जी के लिए करें जो हमें कनेक्ट करती है, जिसका रियल मीनिंग है।